राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की अनुपम कृति गीता, जीवन जिए कैसे गीता कहे जैसे, गीता संस्करण। भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी भूमिका लिखकर इसे और गौरवान्वित किया। आइए गीता पर राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के विचार को सुने। गीता आज के युग में उपयोगी क्यों बन गई है? क्या यह अध्यात्म शास्त्र है या जीवन का संगीत? प्रश्न है कि गीता क्यों पढ़ें? क्या मुक्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए, या गीता में कुछ ऐसा संदेश है जिससे संपूर्ण मानवता का कल्याण हो? अगर गीता में केवल अध्यात्म है, केवल ज्ञान तत्व है, केवल परमात्मा तत्व की आध्यात्मिक परिवेश में व्याख्या की गई है, तो फिर इसे धार्मिक ग्रंथ कहने का क्या अर्थ है? अगर यह धार्मिक ग्रंथ है तो केवल मोक्ष, मुक्ति, पूजा पाठ का वर्णन किया गया होता, फिर इसमें जीवन तत्व की व्याख्या क्यों की गई? जीवन के उद्देश्यों को युद्ध या संघर्ष से प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया कि युद्ध करो और युद्ध से विजय प्राप्त करो, राज्य भोगो? क्या गीता मृत्यु सिखाती है या मृत्यु का भय दिखाती है? फिर बार बार मृत्यु की चर्चा क्यों की गई है? मृत्यु क्या है? क्या मृत्यु को किसी ने देखा है? मृत्यु का तो अर्थ ही मृत, निष्क्रिय, स्थिर हो जाना। फिर मृत्यु के भय से क्या अर्थ है? क्या मृत्यु एक भय है या एक महज संभावना है? संभावना, फिर इस संभावना की बार बार चर्चा क्यों की गई? गीता कहती है मृत्यु एक विराम है, एक विश्राम है, एक पड़ाव है, फिर इतना भय क्यों? अगर मृत्यु भ्रांति है तो इस भ्रांति से सारी मानवता भयभीत क्यों है? क्या हम अपनी नई पीढ़ी को गीता से भयभीत करना चाहते हैं? अगर नहीं तो क्या यह जीवन का संगीत है? क्या यह जीवन जीने की विधि है? यहां फिर प्रश्न उठता है कि जब यह जीवन का संगीत है तो यह संगीत हमें क्यों नहीं सुनाई पड़ा? क्या यह संगीत धर्म के भय से या अधिक धार्मिकता के कारण हम जीवन के प्रति निराश, हताश और भयभीत हो गए? अगर धर्म हमें भयभीत करता है तो उस धर्म से मानवता का कल्याण कैसे हो सकता है? हमारे परमात्मा श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो वे भला हमें भयभीत क्यों करेंगे? संभव है हम अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण उनकी बांसुरी का स्वर नहीं सुन रहे हों। शायद इसीलिए श्री कृष्ण ने इंद्रियों के समन, अज्ञानता का नाश और आत्म चेतना के जागरण की बात कही है।